गुड बाय होटल। अभी मैं वेट कर रही हूँ ऑटो का। यहाँ पे ऑटो एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है पता है, बट अभी तक आया नहीं है, मतलब दो कैंसिल हो गया है। तो मेरे खाने में रायता फैल गया है, तो रायता एक्चुअली फैल गया है लोग, तो मैंने सोचा कि उसको फेंकने से अच्छा उसको दे देती, तो मैंने गार्ड को दे दिया रायता प्लस बिरयानी। बैक का एक्सरे हो रहा है, सॉरी यहाँ से मिलेगा। तो एयर एशिया में अभी बहुत ज़्यादा लाइन है, देख सकते हो आप लोग, और मुझे मेरा ऑफिस दिख रहा है गाइस, अकासा एयर। तो चलते हैं लाइन पे, अभी मेरे पास टाइम है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी करके निकल लेती हूँ अंदर। बड़ा बड़ा लाइन है, लुक। And travel Bhubaneswar airport, have nothing, just very small boarding pass counter, bahut zyada chhota hai. Baggage ka se bahut zyada chhota hai ek, बट क्यूट है कास एयर एशिया। हाँ ऊपर दीदी दीदी चोली दीदी बस एक स्टारबक्स है। वहाँ पर बहुत कुछ है, गेट नंबर 4 गेट नंबर 5। तो मेरा फ्लाइट आएगा यहाँ से गेट नंबर 5 से, यहाँ पे मेरा बोर्डिंग होगा। तो इंतज़ार करना पड़ेगा 1 ईयर, आई थिंक मोर देन टाइम हैव। कुछ खाना देखते हैं, क्योंकि मैंने अपना खाना वो गार्ड को दे दी थी, क्योंकि वो खाना रायता फैल गया था, तो रायता फैलने की वजह से मेरा खाना को दे देना पड़ा, क्योंकि कैरी नहीं कर पाऊँगी। मैं फेंकने जा रही थी, फिर मुझे लगा कि अरे फेंकने से अच्छे यहाँ पर गार्ड है तो गार्ड को दे देते हैं, फिर गार्ड को बाहर से बुला के उनको दे दिया। कुछ खाना देखते हैं, लिमिटेड खाने का ये है, बस इतना ही है, पता नहीं क्या खाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। मैम एयरपोर्ट स्टाफ का कोई डिस्काउंट होगा? ओके का ढेर सारा आइटम, स्नैक्स।
तो खुद को अमीर दिखाने के चक्कर में मैंने बाय कर लिया है स्टारबक का हॉट चॉकलेट. आई डोंट नो हाउ इज द टेस्ट. गैस वर्ड मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी. एक्चुअली मैंने 15 को 50 रुपीज़ सुन लिया. मैंने स्टारबक में जाके पूछ लिया कि एयरपोर्ट स्टाफ का कितना डिस्काउंट मिल रहा है. तो उन लोगों ने मुझे बोला कि मैम 50 रुपीज़. सो मैंने 15% को मैंने 50% सुना और मैंने बाय कर लिया हॉट चॉकलेट. हाँ, मेरे नेम से देखो अभी लग रहा है कि वेल मुझे मार कर दिया मैंने. बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत तकलीफ़ हो रहा है दोस्तों. खुद को अमीर दिखाने के चक्कर में मैंने खुद को बहुत ज़्यादा गरीब बना दिया. बट इन्जॉय करते हैं. ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पी रही हूँ, मैं पहले भी पी चुकी हूँ. अच्छा है टेस्ट, नॉट लाइक यू टू मच बाव, बट टेस्ट ठीक ही है. मतलब जैसा होना चाहिए कोल्ड पॉप, सॉरी हॉट चॉकलेट का टेस्ट एकदम वैसा ही है. मैं इससे, मेरे पास वो कैडबरी का चॉकलेट पाउडर होता ना, कोकोआ पाउडर, तो मैं इससे सेम चीज़ बना लेती. क्या आप लोगों को भी कभी कभार ऐसा होता है, मतलब पछताते हो जब ऐसे ही, मतलब बता नहीं सकती. मेरे लाइफ में भी दुख है. मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ. देखो, पिंपल्स जा नहीं रहे, सैलरी आ नहीं रही है, महीने के बिल सर पे खड़े हैं और मेरे पापा शादी के पीछे पड़े, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी जी रही हूँ मैं. तो अभी राइट नाउ बोरिंग टाइम, सभी बोरिंग कर रहे, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ. अरे रहा मेरा कॉफी गाइस, इसको तो मैं लेके जाऊंगी दिल्ली में, मेरे दोस्त लोगों को दिखाऊंगी. मैं क्या क्या कांड करती हूँ दोस्तों. बात यह कि अभी तक मुझे होटल का कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ. कंपनी ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है मुझे. आज संडे है ना, तो नोबडी पिक अप द फोन कॉल. तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है. पहले तो बोर्डिंग ही करते हैं, दिल्ली चल के पता चलेगा. बोरिंग टाइम देख, अभी हो रहा है बोरिंग टाइम. मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा है. अभी तक कुछ मेरा होटल का कंफर्मेशन मेल भी नहीं आया है. बहुत ही गंदा लुक, कितना गंदा है, इसको क्लीन भी नहीं करवाया है. सो अभी आगे अपनी सीट पे बैठ गया है, बट अभी स्टिल मैं बहुत ज़्यादा लग टेंशन हो रही, इतना ज़्यादा कि क्या बता. अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है. जब तक कंफर्मेशन मेल नहीं आता है मेरा होटल का, मैं कहाँ रहूँगी रात को. सड़कों पे बिठा देंगे आज मुझे. इस प्रकार का ऑक्सीजन नकाब आपकी कुर्सी के ऊपर लगे बाहर आए तो उसे तुरंत अपनी ओर खींचे और इस तरह से नाक और मुंह ढककर सामान्य ढंग से सांस लेते रहें. दूसरों की सहायता करने से पहले अपना
एक्साइटेड गाइस। यार कब एयरपोर्ट सामने है इंडिगो।